दोस्तों ये है पत्थरों से भरे हुए ऋषिकेश के नीम बीच। दोस्तों ऋषिकेश में जो राफ्टिंग होती है, कुछ राफ्टिंग ये नीम बीच में आके ख़त्म होती है और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट भी होती है। क्यों होती है यहाँ पे एक्सीडेंट और आप नीम बीच तक कैसे आएंगे, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताते जाऊँगी। तो रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, अभी आपको हम दिखा रहे हैं ऋषिकेश के नीम बीच। देखिए यहाँ पे माँ गंगा बह रहे हैं। दोस्तों ऋषिकेश में जो राफ्टिंग होती है, कुछ राफ्टिंग ये नीम बीच में आके ख़त्म हो जाती है। यहाँ से एक्चुअली इसके बाद जो रिवर है, माँ गंगा है, बहुत शांत हो जाती है। दोस्तों नीम बीच में ऐसे ही आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे। ये नीम बीच के बाद थोड़ी सी पत्थर जो है कम हो जाते हैं। देखिए बहुत ही शांत जगह है ये नीम बीच। अभी राफ्टिंग कम है इसलिए एकदम ये जगह खाली है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, एकदम शांत है जगह, ज़्यादा भीड़ नहीं है। नदी के उस पार मंदिर दिखाई दे रहा है। अभी लक्ष्मण झूला में काम चल रहा है इसलिए नदी के उस पार बहुत कम ही दर्शनार्थी जाते हैं। देखिए कितना सुंदर है। दोस्तों अभी जस्ट 23 सितंबर से राफ्टिंग शुरू हुई है इसलिए ये नीम बीच थोड़ा सा खाली है। अदरवाइज यहाँ पे फुल्ली क्राउड होती है और बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। ये देखिए अभी इतना नीट एंड क्लीन है बट बाद में आके आपको इतना नीट एंड क्लीन नहीं मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे माँ गंगा में अंडर वाटर करंट बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे कभी भी आपको स्नान करना नहीं चाहिए। फिर भी कुछ टूरिस्ट होते हैं जो अपने रिस्क पे यहाँ पे स्नान करते हैं। देखिए हर साल यहाँ पे इसलिए कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ पे आके बिल्कुल आप ऐसा काम मत कीजिएगा। हेलो, देखिए दो डॉगी कितना शांत बैठे हैं। और यहाँ पर देखिए जो टूरिस्ट है कैसे यहाँ पे वो स्नान कर रहे हैं अपने रिक्स पे। अभी यहाँ आके ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि कभी भी कुछ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अंडर वाटर करंट है बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये ऋषिकेश के नीम बीच तक जाते हैं। यहाँ पे आप अपना बाइक, स्कूटी, कार, ऑटो, टोटो से यहाँ तक आ सकते हैं। ये देखिए नीम बीच तक जाने के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। आपको रास्ते में पार्किंग मिलेंगे और यहाँ पे पार्किंग करके आपको नीम बीच तक जाना पड़ेगा। रास्ते पे आपको दो चार दुकानें मिल जाएंगे जहाँ पे आपको पानी के बॉटल, चाय वगैरह मिल जाएगा। दोस्तों ऋषिकेश में जो तपोवन पुलिस चौकी है, ये देखिए पुलिस चौकी, यहाँ से 100 मीटर दूरी पे ही आपको राइट साइड में एक रोड दिखाई देंगे। ये देखिए बद्रीनाथ हाईवे, यहाँ से आपको ये जो राइट साइड में जो रास्ता जा रहे हैं ये नीम बीच तक जाते हैं, ये रोड ही जाते हैं नीम बीच तक। ऋषिकेश का नीम बीच इतना सुंदर जगह है, इतना शांत जगह है, यहाँ पे आके आपको मन एकदम शांत हो जाएगा। मैंने भी यहाँ आके बहुत एंजॉय किया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय माँ गंगा लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। If you like my video, then like and do subscribe my channel. मिलते हैं और किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।